हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रेया। मैं अब बहुत लोगों ने आप में से एक लव स्पेल रिक्वेस्ट की हुई है, तो वही मैं आपके लिए बनाई हूँ आज। बहुत ही इजी एंड सिंपल सा लव स्पेल है ये, ठीक है। इससे बहुत मच बेटर एंड कॉम्प्लिकेटेड लव स्पेल्स आर देयर ऑफ कोर्स, बट आज के लिए बहुत ही एक 1-2 मिनट लव स्पेल टाइप का है। सो ऑल यू बेसिकली हैव टू डू इज़, ये एक तेज पत्ता है, ठीक है। तेज पत्ता आप अगर स्पिरिचुअल कम्युनिटी में बहुत दिन से है, देन यू विल नो दैट ये जो है होता है, ये एक विशिंग हर्ब जैसा होता है। इट्स लाइक, सो एनी विश, जो भी विश आप लिखते हो एक तेज पत्ते पे, वो पूरी होती है। एंड इफ़ यू लाइक बर्न इट आफ्टर दैट, वो पूरी होती है। मैं ऑनेस्टली मैं अपना मैजिक तेज पत्ता से ही स्टार्ट की हुई हूँ, एंड नीडलेस टू से बहुत अच्छा काम किया है। लाइक बेसिकली ईच एंड एवरी विश जो मैंने आज तक तेज पत्ते से की हुई है सभी पूरा हुआ है। सो अगेन टू रिपीट, मेरा हिंदी उतना कम्प्लीटली फ्लुएंट है नहीं, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इफ़ इट्स नॉट वेरी फ्लुएंट ऑलवेज। सो या एनी वे, तो ये है एक तेज पत्ता। हम लोग इस तेज पत्ते पर अपना नाम लिखेंगे एंड एक सिंबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस सिंबल विल बी फॉर लव, ओके। एंड बेसिकली ये सिंबल को सिजिल बोला जाता है, ठीक है। सिजिल्स आर बेसिकली सिंबल्स दैट आर दैट कैरी पावर, ओके, दैट कैरी लाइक आर द सिंबल्स जो आपको आपका कोई एक विश फुलफिल करता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल लव स्पेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू इट। सो बेसिकली एक लव चार्म है, ठीक है, वो आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है, ओके। सो पहले आपको एक एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ओके। लेट्स मेक अ सर्कल, सर अगर भी ये जो ड्राइंग है ये परफेक्ट नहीं है फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओ एंड बाय द वे, ये मैं मार्कर से लिख रही हूँ, बिकॉज़ एज़ यू नो मार्कर्स आर ग्रेट फॉर राइटिंग ऑन एनीथिंग। एंड हाँ, इफ़ यू हैव अ रेड मार्कर देन प्लीज़ यूज़ अ रेड मार्कर फॉर राइटिंग योर विशेज ऑन अ बे लीफ। मेरे पास अभी सिर्फ ब्लैक है, सो मैं सिर्फ ब्लैक ही यूज़ कर रही हूँ। बट हाँ, दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है। अभी ये कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट आसपास होना चाहिए। एंड ये जो स्मूथ साइड होता है एक बिलीफ का एंड एक रफ साइड होता है, इट डजेंट मैटर ऑन विच साइड यू राइट। मेरा अगर मेरा बस मार्कर सो दैट यू नो ये जो निप है ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं ये स्मूथ साइड पे लिख रही हूँ। सो ओके, इसके बाद यू गो इन द सेंटर एंड यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ठीक है। यू ड्रॉ सर्कल एंड देन यू ड्रॉ अ लाइन, ओके। एंड देन यू ड्रॉ अ स्टार, ठीक है। ऐसे बीच से जाके स्टार, ओके, लाइक दिस। फिर स्टार के राइट ऊपर दिस, ओके। एंड देन ऑन द साइड्स यू राइट आई जी, ओके। सो दिस इज द लव चार्म। नाउ दिस specific love charm is for attracting a love, a soulmate or partner, ठीक है। like आप किसी को manifest करना चाहते हो या you know एक soulmate को manifest करना चाहते हो, you want to manifest your you know true love or something,
then you write this, and then on the side you write your name. Okay, suppose मैं इधर लिखी अभी क्या कहूँ, let's see, John Doe. Okay, I don't know who that is, but John Doe. अभी एक हाथ से लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट हाँ, दैट्स द थिंग. ओके, सो हियर इज़ द नेम, हियर इज़ द सिजिल, एंड दिस इज़ फॉर जॉन डो. ठीक है, सो नाउ आप इसके साइड में एक एफर्मेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, लाइक सपोज दिस इज़ योर नेम. ओके, जॉन डो, ये आपका नाम है. सो यू रिटन दैट, एंड नीचे यू राइट दैट आई हैव मैनिफेस्टेड द परफेक्ट पार्टनर फॉर मी. ठीक है, सो I have manifested the perfect partner for me. ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, सो एक्सक्यूज द हैंड राइटिंग, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यू नो द जेस्ट ऑफ इट. सो या, दिस इज़ द लव चार्म एंड दिस इज़ द थिंग. इसके बाद और एक लव चार्म आता है, विच इज़ इसके बाद और एक लव चार्म है, विच आई एम गोइंग टू शो यू. ये है एक सिंबल, और एक सिंबल है, दिस इज़ फॉर हैप्पी लव. ओके, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड लाइक बर्निंग इधर टू बे लीव्स, यू नो, इधर टू बी लीव्स विद दीज टू डिफरेंट सिम्बल्स, एक हैप्पी लव के लिए और एक की के लिए, और एक की वाला लव चार्म के लिए, एक इसके लिए और एक अभी जो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ इसके लिए. अदरवाइज जस्ट डू इट, एक साथ भी कर सकते हैं. लाइक मेरा वाला जो ये बे लीफ है, ये बहुत ही एक बड़ा सा बे लीफ है, यू नो, इट्स ऑलमोस्ट द साइज ऑफ माई हैंड. सो इसलिए मैं बहुत कुछ फिट कर सकती हूँ. सो एनी वे, दिस इज, let's see, this is another love charm. Okay, ye maine par bana liya apna circle, and then you draw a line through it. Okay, you draw a line through it, fir se last time ke jaise. Okay, and then like this you go. ठीक है, ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा. मैं आपको फिर से ये एक क्लीन जगह पे दिखाऊंगी ड्रॉ करके, बट जस्ट टू गिव यू, इधर एक जे एंड इधर एक की. ओके, सो दिस इज अनदर लव चार्म फॉर हैप्पी लव, दिस इज फॉर हैप्पी लव. ओके, दिस इज फॉर जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स. ठीक है, सो दीज आर द टू सिम्बल्स. मैं फिर से ये दोनों आपको दिखा दूँगी, ये दोनों जो सिम्बल्स हैं. एंड सो या, दिस इज़ वन. ओके, एंड ऑफकोर्स फिर से इसके साइड में यू राइट योर नेम, यू नो, योर नेम, and then you write your intention that I have, and always write your intention in a present tense. You don't write I wish for or universe please give me, या ये सब नहीं लिखना है. Always write your wish in present tense or as if it's already happening, as if अभी हो रहा है, यू नो, जो आप चाहते हो वो अभी already हो रहा है. So for example, अगर मुझे अभी चाहिए कि यू नो, मुझे भी एक स्टेबल पार्टनरशिप चाहिए, देन आई राइट दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव अ स्टेबल पार्टनरशिप. या आई राइट दैट आई हैव अ स्टेबल पार्टनरशिप विथ अ वंडरफुल मैन. ओके,
ऐसे कुछ इंटेंशंस लिखना है. सो या दीज आर टू वेरी सिंपल लव स्पेल्स. नाउ इस रोज इस बेलीफ को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ऑन द साइड्स यू कैन अनॉइंट इट विथ रोज वाटर. ओके, नाउ दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप, लाइक यू डोंट एब्सोल्युटली नीड टू. आपको लाइक इफ यू आपको अगर नहीं है रोज़ वाटर या कुछ भी है नहीं, देन इट्स फाइन, सिर्फ तेज पत्ते से भी काम चल जाएगा. आपको बस इसको जाके बर्न कर देना है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू बर्न इट. सो हाँ that and but if you have rose water that will be great, that will be a great addition because like rose is an amazing addition to any love spell. I remember aapko uska story kisi aur din bataungi, but ha anyway rose water ka love spell ka story anyway. So basically you just take a little bit of rose water and dab it on the sides. Pura bhigam nahi dijiyega, pure bay leaf ko bhigane hi dijiyega because then wo burn hi nahi hoga. ठीक है, यू वॉन्ट द बी लीव टू बर्न प्रॉपरली. सो यू जस्ट टेक द बी लीव एंड देन आप ऐसे बर्न कर देते हो उसको. ठीक है, अभी मैं इसको बर्न नहीं करने वाली बिकॉज मुझे अब बिकॉज लाइक आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अट्रैक्टिंग एनी पार्टनर्स राइट नाउ. सो दैट्स वाई मैं इसको नहीं बर्न करने वाली. इनफैक्ट इफ़ एनी थिंग मैं इसको स्क्रैच कर देने वाली हूँ सो दैट नन ऑफ दिस मैनिफेस्ट ओके फॉर मी. And but ha, you guys try it, and this is for definitely attracting new partners. If you want a partner, like someone to come back to you, uska bhi spell hai jo ki main karungi of course baad mein. But the point is आपका अगर जो भी कोई भी विश भी है ना, मैं आज तक जो भी वीडियोस की हुई हूँ मोस्ट ऑफ देम कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर ओन विल. की यू नो मोस्ट ऑफ देम कैन बी कस्टमाइज सो दैट आपका जो भी विश है वो सभी पूरा हो. सो वो लव है या मनी रिलेटेड है या जो भी है, ऑल ऑफ इट विल बी विल कम ट्रू. सो इफ़ यू हैव एनी विश रिगार्डिंग अ पर्सन देन जस्ट राइट दैट ओके, राइट द विश of the regarding the person and of course remember it should be in present tense as if it's already happening. Okay, you're calling in the energy, you're attracting in the energy, that's why. So this is the spell and I hope you like it. Thank you for watching.